बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मुझे हैरानगी है, इस वक्त मेरे साथ दो बच्चे बैठे हैं, एक का नाम है अहमद रहमान और दूसरे का नाम है मोहम्मद रहमान। इनके वालिद साहब का नाम है ग़ुलाम रसूल, लेकिन इनसे मैं कुछ सवालात करूंगा, सिर्फ इस नीयत से आपको सुनाऊंगा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनके वालिद साहब कोई आलिम दीन नहीं, हाफिज़ नहीं, न तबलीगी जमात से ताल्लुक़ है, बस सिर्फ़ एक है कि उलमा से मोहब्बत रखते हैं और उलमा के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, आते जाते रहते हैं उलमा के साथ। तो इन्होंने बच्चों की जैसी अजीब तरबियत की है, ये हमारे लिए एक नमूना है। तो मैं इनसे चंद सवालात पूछता हूँ और फिर उसके बाद आप ख़ुद फैसला करें कि हमें भी बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए। बेटा आपका नाम क्या है? अहमद रहमान। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद रहमान। आप कहाँ पढ़ते हो, कौन से स्कूल में? शाबाश। ये कहाँ पे है? वाकांड में, वाकेंड में या कहाँ है? अच्छा माशाल्लाह। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? नर्सरी। आप कौन सी क्लास में? मैं भी इसके साथ क्लास नर्सरी में। शाबाश माशाल्लाह। आपको दुआएं याद हैं? मैं पूछूंगा आप वो दुआ सुनाया करें, पहले आप फिर उसके बाद ये, ठीक है ना? कहानी की दुआ किस तरह है? शाबाश। आप सुनाए। शाबाश। दूध पीने के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, जब आप दूध पीते हैं उसके बाद? दूध पीने के बाद शाबाश। आप सुनाए। दूध पीने शाबाश। टॉयलेट जाने की कौन सी दुआ है, जब आप बाथरूम जाते हो उससे पहले आपने एक दुआ पढ़नी है, वो कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी शाबाश। सोने की दुआ कौन सी, जब आप सोते हैं उससे पहले कौन सी दुआ पढ़ते हैं? शाबाश माशाल्लाह। ईमान मुजमल सुनाए। हाँ आमंतु बिल्लाह शाबाश। वो दूसरी इस तरह की जो दुआ है, आमन तो बिल्लाह व मलाइकती, वो आमन तो बिल्लाह ईमान मुफस्सल। हां आमन तो बिल्लाह व मलाइकती, व मलाइकती व कुतुबी व कुतुबी व रसूली व यौमिल आखिर व कदर खैर व शर मिनल अतार व बास बाद अल मौत। शाबाश। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? आलिमीन डॉक्टर। शाबाश। आलिमीन और डॉक्टर दोनों, माशाल्लाह। अच्छा मैं तो कुछ नहीं, आप मुझसे भी इंशाल्लाह बड़े बनेंगे, ठीक है ना? बड़े बड़े उलमा बनेंगे। आयतुल कुर्सी आती है आप दोनों को? चलो आयतुल कुर्सी भी सुनाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يريدون بشيء إلا بما شاء وسع السماوات في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما العلي العظيم. ما شاء الله. جزاكم الله. तो यही कुछ आपसे अर्ज़ करना था कि अपने बच्चों को इसी तरह बनाए, इनका आप लिबास देखे माशाल्लाह, वो भी कोशिश की कि सुन्नत के मुताबिक, और इंशाल्लाह उम्मीद है मुस्तकबिल में कौम के खादिम बनेंगे। और इसके साथ ये बात भी मलहूज़ नज़र हो कि चूँकि नज़र बद तो है, इसे तो बचना ज़ाहिर बात है, इसके लिए आमाल हैं। इंशाल्लाह इनके वालिदैन से हम ये गुजारिश करेंगे कि वो कम अज़ कम ये आमाल रोज़ाना करें ताकि इन पर ये नज़र बद का असर ना हो। अल्लाह ताला करे कि हम सब की औलाद इसी तरह दुआएं सीखे, नेक अमल हो और वो हमारे लिए आंखों की ठंडक बन जाए। जज़ाकुमुल्लाह।